मंडी जिला को 45 नए अध्यापकों की सौगात मिली है। हाल ही में शिक्षा विभाग द्वारा की गई बैच वाइज भर्ती के माध्यम से इन नए अध्यापकों की तैनाती के आदेश शिक्षा विभाग ने जारी कर दिए हैं। इस संबंध में शिक्षा निदेशालय ने प्रदेश भर में 300 से अधिक अध्यापकों को तैनात करने के आदेश जारी किए। इसमें से मंडी जिला को 45 नए अध्यापकों का लाभ मिला है। इस बात की जानकारी प्रारंभिक शिक्षा उपनिदेशक KD शर्मा ने दी। प्रारंभिक शिक्षा उपनिदेशक KD शर्मा ने बताया कि बीते दिनों प्रदेश भर में बैच वाइज आधार पर अध्यापकों की भर्ती की गई थी, जिसके तहत अब चयनित किए गए अध्यापकों की तैनाती के आदेश जारी कर दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि जिन अध्यापकों को तैनात किया गया है उन्हें 15 दिनों के भीतर अपनी ड्यूटी ज्वाइन करनी होगी। प्रारंभिक शिक्षा उपनिदेशक KD शर्मा का कहना है कि हाल ही में हमीरपुर चयन बोर्ड द्वारा भी अध्यापकों के 300 से अधिक पद भरे गए हैं और इनकी तैनाती के आदेश भी जल्द ही जारी होने वाले हैं। उन्होंने उम्मीद जताई है कि जल्द ही प्रदेश में नए अध्यापकों की तैनाती से शिक्षा विभाग को मजबूती मिलेगी और बच्चों को भी इसका पूरा लाभ मिलेगा। नए टीचर हमें मंडी जिला के लिए अभी 45 टीचर हमें अभी मिल गए, जो बैच वाइज रिक्रूटमेंट हुई है। उससे पहले JBT से TGT प्रमोशन हुई है, उसमें भी हमें अध्यापक मिले हैं और सिलेक्शन कमीशन से भी जो सिलेक्शन की लिस्ट है वो शिक्षा निदेशालय उन्होंने भेज दी है। जल्दी ही हमें और भी अध्यापक जो है मंडी जिला को मिलेंगे और हमारा काम सुचारू रूप से चल पड़ेगा। अभी भी 140-150 के लगभग पोस्ट जो है हमारी खाली होंगी, क्योंकि रोज के रोज ये बदलती रहती है। कुछ ट्रांसफर होकर हमारे यहाँ आते हैं, कुछ जाते भी हैं और 31 दिसंबर को ये सारे का सारा डाटा जो है पूरे जिले का इकट्ठा करके पूरी डिमांड जो है शिक्षा निदेशालय भेज दी जाएगी। तब तक हमारी सारी अपॉइंटमेंट्स भी हो जाएंगी और उस वक्त फिर ये सारा पता लग जाएगा कितने यहाँ हमारे पास एग्जैक्टली वैकेंसीज बचती हैं। बता दें कि इस वक्त प्रदेश सहित मंडी जिला में भी अध्यापकों की भारी कमी चल रही है। मंडी जिला में अभी भी प्रारंभिक शिक्षा में अध्यापकों के 150 से अधिक पद खाली चल रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, K चैनल, मंडी।